Hello everyone, welcome back to the class of NPC. I am Tripti and we have studied about the vectors, okay? And in our last video lecture, we have discussed so many topics related to vectors. What is vector, introduction of vectors and types of vectors, okay? Representation of vectors, parallel shifting of vector, angle between two vectors. And in our very last video, we have discussed about the graphical method. Graphical method हमने सीखा था. तो ये सारे टॉपिक्स हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में कवर किए. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. और आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट द रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर, ओके. एंड दिस इज कनेक्ट टू द लास्ट वीडियो लेक्चर. सो प्लीज़ आई रेकमेंड कि आप लास्ट वीडियो लेक्चर देखिए एंड देन कम टू दिस क्लास, ओके. रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर को समझने के लिए हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत होगी. तो आज हम यूनिट वेक्टर का डिटेल स्टडी करेंगे एंड रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर को समझेंगे, ठीक है. सो दिस इज लेक्चर नंबर 4 एंड आई वेलकम टू ऑल इन माई क्लास एंड लेट्स बिगिन आवर क्लास. रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर. रिजोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी भी वेक्टर के टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है. अगर आपके पास वेक्टर ए गिवन है तो इससे आप एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे यही आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है. एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए, ओके. चलिए अब इससे समझने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हमें यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है. सो हम यूनिट वेक्टर के सभी पॉइंट्स को पहले डिस्कस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, देन हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे, ठीक है. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको सिर्फ टू कंपोनेंट्स, किसी भी वेक्टर के टू कंपोनेंट्स कैसे लेने हैं हम उस पर बात करेंगे, ठीक है. चलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है. सो यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. यूनिट वेक्टर, ठीक है, जैसे कि हमें ये पता है, ठीक है, वी ऑल नो अबाउट द यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ठीक है. मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का 1 एंड इट गिव्स डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर हमेशा किस काम के लिए आता है, किसके लिए यूज़ होता है, डायरेक्शन के लिए, ठीक है. डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए ही हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं और कोई भी यूज़ फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का नहीं है, ठीक है. ओनली इट गिव्स डायरेक्शन. सो इट गिव्स डायरेक्शन, ओके. एंड इट हैज़ नो डायमेंशन एंड यूनिट, ठीक है. इसकी यूनिट भी नहीं होती है एंड ये डायमेंशन लेस होता है, ओके. क्योंकि जो वैल्यू है वो तो 1 ही है. अब 1 की ना तो यूनिट होगी और ना ही डायमेंशंस होंगे, ओके. सो इट हैज़ नो डायमेंशंस, एंड यूनिट, ओके. एंड यूनिट वेक्टर्स, इन एक्स वाई Z, ठीक है. हमने 3 एक्सेस के बारे में स्टडी किया था, X, Y एंड Z. ये 3 एक्सेस होते हैं 3 डायमेंशन के लिए. इन तीनों एक्सेस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है. तो यूनिट वेक्टर को इन 3 डायमेंशंस में या फिर 3 एक्सेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके. यूनिट वेक्टर्स इन X, Y, Z, एक्सेस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, ओके. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके. आर, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है. मीन्स एक्स वाई जेड एक्सेस के लिए 3 यूनिट वेक्टर्स गिवन है, आई, जे एज वेल एज के. क्लियर. अभी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू यूनिट वेक्टर को और भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है. And next point will be representation. Representation of unit vector. ओके. यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो मैंने बताया कि यूनिट वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो विथ द हेल्प ऑफ कैप, ठीक है. इसको हम कैप बोलते हैं. क्या बोलते हैं आप? कैप, ठीक है. तो यूनिट वेक्टर किसी अदर वेक्टर के सिमिलर ना हो इसीलिए हमने यूनिट वेक्टर का एक अलग साइन रखा हुआ है एंड विच इज़ कॉल्ड कैप, ठीक है. कैप. हम सिंपली वेक्टर्स को यूज़ करते हैं तो वेक्टर्स के ऊपर एरो लगाते हैं, बट यूनिट वेक्टर के ऊपर आपको क्या लगाना है? कैप. तो कैप से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर, ओके. अभी आपको जैसे सिंपली ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है. ए वेक्टर गिवन है आपके पास और इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. तो ए का मैग्नीट्यूड तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है. मॉड ऑफ ए मीन्स ए का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई बाय. अब मैंने क्या बोला कि जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन के लिए डिफाइंड है तो ए की जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं. सो मैं ए को ए कैप लिखूं विच इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है, ए कैप का मतलब क्या होता है, ये आपको डायरेक्शन देता है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1. ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. तो यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर है और उसकी कोई वैल्यू है. ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड है, मीन्स कोई वैल्यू है, मान लो कि 2 है वैल्यूज. ठीक है, ये आपने एक वेक्टर ले लिया और इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 2 है. बट अब क्या करना है आपको कि इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज किए बिना इसकी डायरेक्शन देना है आपको. ठीक है, तो ये जो आपने ए कैप लगाया है, ये क्या है, ए कैप, ये आपको यूनिट वेक्टर देगा, मीन्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा. तो इसकी मैग्नीट्यूड में, ए के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा एंड ये आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा. तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं. ठीक है, इसे हम ए कैप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए ए कैप, सो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए. ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर है? ओके, अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो अभी हम समझते हैं. ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस. ओके, अब एक्स वाई एंड जेड ये जो 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशंस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, जैसे कि आप आपकी घर की वॉल ले लो, वॉल के कॉर्नर पे आप देख सकते हो कि ये जो इस साइड वाला जो पोर्शन है आप एक्स सपोज कर लेते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन है आप वाई सपोज कर लेते हैं और जो एक इस साइड वाला जो पोर्शन है उसे आप जेड सपोज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन का एक रिप्रेजेंटेशन बन गया. और अगर सिंपली 3D की बात करें तो ये आपका ऊपर वाला वाई एक्सिस है, इस साइड वाला जेड एक्स एक्सिस है एंड ये जो बाहर निकला हुआ है, ये जो मैंने 3rd वाला पेन यूज़ किया हुआ है, दिस इज जेड एक्सिस. ठीक है, तो एक्स वाई और जेड 3 एक्सिस को हम इस तरह से समझ सकते हैं और 3 एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स कैसे लेते हैं. ठीक है, तो हम फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर को आई कंसीडर करते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए जे एंड फॉर जेड डायरेक्शन दैट इज रिप्रेजेंट बाय के वेक्टर. ठीक है, या के कैप. ठीक है, के वेक्टर नहीं बोलेंगे, के कैप बोलेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं. सो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, तो ये 3 एक्सिस में हमने यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लिया. ओके, अब हम मेन हमारे टॉपिक पर आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. क्या? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ओके, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको कोई वेक्टर गिवन है. ठीक है, सपोज वी हैव कंसीडर वेक्टर ए. वेक्टर ए हमने कंसीडर किया है, ये एरो है. ओके, वेक्टर ए है. अब इसके एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट आपको निकालना है. ठीक है, सो हम एक डायग्राम के थ्रू पहले समझते हैं. ये आपका एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब वेक्टर ए जो है वो एक्स वाई, अभी हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दैट इज मोशन इन अ प्लेन एंड प्लेन जो है वो एक्स एंड वाई मीन्स 2 डायरेक्शन या 2 डायमेंशन में होता है. ठीक है, मीन्स एक्स एंड वाई प्लेन लेंगे आप. ओके, जेड भी ले सकते हैं, वाई जेड भी ले सकते हैं, जेड एक्स भी, कोई भी आपको 2 एक्सिस लेना है. तो हमने एक्स एंड वाई, ये जनरल एग्जांपल है, एक्स एंड वाई लिया. अब एक्स वाई प्लेन में हमने किसी पॉइंट पर वेक्टर पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर आपने एक वेक्टर ले लिया. ठीक है, मीन्स वेक्टर ए का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, वो एक्स में भी आगे बढ़ रहा है एंड वाई में भी आगे बढ़ रहा है. ठीक है, जैसे कि ये आपका एक पेज है, ये आपका प्लेन है. अब यहाँ पर ये आप एक्स एक्सिस सपोज कर लेते, ये हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, ये वाई एक्सिस सपोज कर लिया. ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट पी है, तो ये एक्स में भी एंड वाई में भी है, दोनों में, 2 एक्सिस में है. ठीक है, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में भी इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं एंड वाई के रिस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो एक्स के रिस्पेक्ट में हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें? सो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें कि पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पर ठीक है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें. ओके, सो दिस इज योर कंपोनेंट ए का एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं. ठीक है, एंड ये आप पी से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें. सो ये वाला जो आपका पोर्शन होगा दिस इज ए वाई. सो सिंपली, अभी तो हम सिंपली बोल रहे हैं कि ए के 2 कंपोनेंट्स मिले आपको, एक्स डायरेक्शन के लिए ए एक्स, ठीक है, ये किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, एंड वाई के लिए क्या है, वाई एक्सिस के लिए ए वाई हमने कंसिडर कर लिया। ओके, ठीक है। अब हम ए को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं पैरेललोग्राम के थ्रू। यहाँ पर देखिए आपका जो वेक्टर है, वेक्टर ए यहाँ से क्या होगा, ए एक्स प्लस ए वाई। बट ये जो है वो कंप्लीट इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आप एलएचएस में तो वेक्टर लिख रहे हैं, बट यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्शन भी देना होगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, एंड वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप। तो ये आपका कंप्लीट एक इक्वेशन बना जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है विथ द कॉम्पोनेंट ऑफ एक्स एज वेल एज वाई। ओके, अब देखते हैं ए एक्स एंड ए वाई के जो कॉम्पोनेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, मीन्स ए एक्स को आप ए के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप हम ये वाला जो एंगल है इसे ओ कंसिडर कर लेते हैं, ओ पी क्यू। ओके, ओ पी क्यू एंगल लेते हैं, हमने एंगल कंसिडर किया ओ पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ओके, ये हमारा क्या था ए एक्स, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये आपका वाई, सो ए वाई, और ये एंगल थीटा। ओके, ये क्या है आपका, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका ए था वेक्टर ए, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस ए एक्स एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है ये वेक्टर रिप्रेजेंट है, बट यहाँ आप लेंथ ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या ले रहे हैं आप, ओनली लेंथ ले रहे हैं। सो यहाँ पर आपको वेक्टर साइन यूज नहीं करना है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड है। सो आप ए इसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए है, सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हुआ, एंड सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए y and hypotenuse this is a, so a y is equals to a sin theta, ठीक है। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट एंड इक्वेशन को आप सेकंड कंसिडर कर लें। सो आपका a x कंपोनेंट आया a cos theta, एंड इसके परपेंडिकुलर जो a y कंपोनेंट है वो है आपका a sin थीटा। इसका मतलब है कोई भी वेक्टर अगर x y प्लेन में है तो उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, a कॉस थीटा, जो भी आप वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, बी ले रहे हैं तो बी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट या वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा दैट इज ए साइन थीटा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा आपको किन एक्सिस पर मिलेगा। तो सिंपली थीटा जहां पर होता है, थीटा जिस एक्सिस से बना होता है, ठीक है, ये हमने थीटा को एक्स एक्सिस के थ्रू बनाया है, तो थीटा जिस एक्सिस से होता है कनेक्ट उसमें ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अगर आपने आपने जो पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था, अगर थीटा यहाँ लेते तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट थीटा की लाइन में आ जाता है, मतलब यहाँ पर आ जाता है कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन परपेंडिकुलर में साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है थीटा पर, थीटा किस आपने एक्सिस से बनाया है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, हियर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये वैल्यूज 1 हो गई आपकी, सो ए स्क्वायर मिला। सो यहाँ से आप ए की वैल्यू ए इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ए। ओके, मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू को ए एक्स एंड ए वाई के टर्म्स में। ओके, किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपको गिवन है और उसके टू कंपोनेंट्स दिए हैं, तो आपको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, एक्स का कंपोनेंट प्लस वाई का कंपोनेंट और दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है। ओके, तो ए एक्स एंड ए वाई टू कंपोनेंट्स है। अच्छा, यहाँ पर तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है, वेक्टर ए का, बट ए की डायरेक्शन क्या होगी? ओके, क्योंकि कोई भी वेक्टर डिफाइन कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ले। तो ए का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, बट डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन के लिए ये जो कंपोनेंट है थीटा, या फिर जो एंगल है थीटा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए वाई, एंड बेस क्या है आपका, ए एक्स। तो ये आपका डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू आप टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, इस तरह से भी टेन थीटा की वैल्यू को दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। ओके, अब ए वाई और एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा ये रखेंगे तो डायरेक्टली आपका टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहीं से टेन थीटा आया है। टेन थीटा कहाँ से आया है, टेन थीटा कैसे आया, ये देखिए। अब देखिए हमने क्या किया, ए वाई की वैल्यू लिया ए साइन थीटा एंड ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा ली, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हमने डिवाइड कर दिया। ओके, सो ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स एंड ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ओके, ए से ए कैंसिल आउट क्योंकि सेम फिगर है। सो हियर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हम एल एच एस आर एच एस को चेंज कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ये आ गया आपका डायरेक्शन। ओके, एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन ए, सॉरी ए वाई अपॉन ए एक्स। सो ये आपका, इस तरह से आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के लिए। ओके, अब ये आज का जो लेक्चर है बस इतना ही है। आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसी भी वेक्टर का और डायरेक्शन फाइंड करना है। ओके, सो आज हमने क्या क्या सीखा पहले रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में रिजोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मीन्स आपको किसी भी वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। फिर हम एंड हमने यूनिट वेक्टर की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की। क्या क्या किया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है एंड इसकी जो डायरेक्शन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये ओनली डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है एंड इसके एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट आई कैप जे कैप एज वेल एज के कैप है। ओके, रिप्रेजेंटेशन में आप कोई भी वेक्टर लें, अगर आपने ए वेक्टर लिया सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय ए कैप। ओके, तो एंड देन फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे आए तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड किया। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ओके, सो आज का लेक्चर हमारा इन सभी पॉइंट्स पर बेस्ड था। अब हम लेक्चर नंबर 5 में वेक्टर के एडिशन का एनालिटिकल मेथड देखेंगे, ठीक है। मीन्स ये सभी चीज़ें आपको उस वेक्टर में, उस लेक्चर में यूज़ करनी है, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। आप सभी के प्यार से, आप सभी के सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे काफ़ी आगे जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड यस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।